मुझे तो दिखाओ। ये धुआं जहरीला है। चलो वहां से निकलना चाहिए। तलवार को नीचे रख दो। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। सुनिए, मैं हिंद परिवार से हूँ, बस थोड़ी देर तलवार का प्रयोग करना चाहती हूँ। ऐसे तो तुम अपने परिवार को बदनाम कर दोगी। ये कौन है? रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। तलवार को अपनी जगह पर रख दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई इस तलवार को लेकर नहीं जा सकता, दफा हो जाओ। उठो। यकीन नहीं होता कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो। आप ठीक तो हैं? चलते हैं मिसी। चलो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे बचाओगे। मुझे पापा ने बताया था, जिन्होंने यहाँ नक्शा रखा उन्हें छोड़कर कोई खुद से तलवार ड्रैगन की रक्षा करने लगा है यहाँ पर। मैंने ये सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद भी आप खुद यहाँ पर रहकर तलवार की रक्षा कर रहे होंगे। अगर तुम हिंद परिवार की सदस्य हो तो तुम नक्शे की रक्षा छोड़कर तलवार क्यों ढूंढने चली आई? क्यों ढूंढ रही हो तुम इस तलवार को? वो बाहर जो आदमी है वो हिंद तिंगिल है क्या? वो यहाँ का मालिक है? वो इस तलवार को लेकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसने मेरे माँ बाप को और वेन ललिन को मार डाला था, वो बस ये तलवार हासिल करना चाहता है। तो उसने अपना मकसद जाहिर कर ही दिया।
उसके पास ड्रैगन नृत्य की किताब नहीं है, मतलब उसे नहीं पता कि वो तलवार क्या कर सकती है। आप बताएं, मैंने सुना है नृत्य ड्रैगन की वो किताब तलवार के अंदर छिपी है, पर वो तलवार तो अब उसके हाथ लग गई है, अब क्या होगा? वो किताब उस तलवार में नहीं, मैंने उस किताब की चित्रकारी इस दीवार पर कर दी है। हिंग तिंगलिंग के पास नृत्य ड्रैगन की किताब नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से तलवार की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। अब ठीक है? वहां से बाहर निकलने का रास्ता है, जल्दी जाओ। पर आप, मुझे इस जगह को तहस नहस करना पड़ेगा, यही सही रहेगा। अगर मैंने ही तिंगलिंग को मारकर ड्रैगन तलवार अपने पास रख ली तो ठीक होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम वो तलवार वापस लेकर आना। याद रखना, जब तक तुम्हारे पास नित्य ड्रैगन की किताब रहेगी तुम उसे हरा सकते हो। अब जाओ। पर सुनिए, हम आपको लेकर जाएंगे। मैं गंभीर रूप से जख्मी हूँ, इसके अलावा मेरा मकसद यहीं तक का था। अब जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ तुम लोग। पर आप, हम चलते हैं। अब जाओ, जाओ यहाँ से, और ड्रैगन तलवार को वापस लाना मत भूलना। मुझे नहीं लगता दिंगली इस जगह पे हमारा पीछा करेगा। बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया उनके बारे में नहीं जानती, हम भी कुछ कर नहीं पा रहे। दुर्भाग्यवश इतना सब होने के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। मुझे मेरे पापा ने बताया था, हीन परिवार और लियो परिवार ने नक्शे का आधा टुकड़ा रखा था। एक और आदमी है जो खुद को नीचा दिखाता रहा, पर उसने मार्शल कला में महारत हासिल की और उसने ड्रैगन तलवार की रक्षा भी की। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में वैसा कोई तलवारबाज है ही नहीं जो अपने वचन पर कायम रहे। मैंने सोचा भी नहीं था वो तलवार की रक्षा कर रहे होंगे। उस व्यक्ति ने तो अपना नाम तक नहीं बताया, गुमनामी में वो इस तलवार की रक्षा कर रहे हैं। मेरे दिल में उनके प्रति इज्जत और बढ़ गई है उनके मुकाबले जो कि दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। अब आगे तुमने कहां जाने का सोचा है? अब मैं सीधा तलवार घर जाऊंगी। जब तक हिंद तिंगल नहीं मरता मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा। गुरुजी, ही मेंगवाई, अब उसे बेहतर महसूस हो रहा है। क्या चारों आश्रमों के गुरुजी यहाँ पर हैं? हाँ, मिस्टर लियू हुशैन आश्रम से और मिस्टर सोंग किंग चेंग आश्रम से और मिस जू परसों आएंगी और मिस्टर ली हेंग चेंग आश्रम से वो कुछ दिनों बाद आएंगे, उन्हें आश्रम में कुछ काम है। उनका ध्यान रखना। जरूर। क्या तुमने हिंद से कहा कि मुझे सराय में रहना है? कहा या नहीं अब तक? हाँ मैंने कहा था, पर उनको मेहमान नवाजी का बड़ा आनंद आता है। उन्होंने अतिथि घर की सजावट भी कराई है और उन्होंने आपको बुलाने के लिए किसी को भेजा भी था, इसीलिए मुझे आना ही पड़ा। ओ ऐसी बात है, तो आज तलवार घर में ही रहेंगे, ठीक है? ठीक है। ये कैसे हो गया?
वो घटिया इंसान ही टिंगली अभी भी जिंदा है? वो चारों गुरुओं को बुलाकर ऐसा लगता है उन्हें खत्म कर देगा। हमें उसे रोकना होगा। हाँ, अब तो नृत्य ड्रैगन किताब भी है। अगर हम निर्जय ड्रैगन का अभ्यास कर लें, तो हम उसका पर्दाफाश कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। तो हमें अभ्यास करना होगा। तो चलो फिर इसकी तैयारी करते हैं। मैं भी तो हूँ, मुझे डर है कि तुम कोई अकेले आदमी नहीं हो जिसके पास मार्शल कला का ज्ञान नहीं है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? कुछ दिन बाद चारों स्कूलों के मुखिया स्वॉर्ड हाउस में मिलेंगे। हम कामयाब होंगे कि नहीं ये कोशिश पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे नृत्य ड्रैगन की कला नहीं आती है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं काबिल नहीं हूं? तुमसे मिलने से पहले मैं सोचा करती थी कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, सिर्फ हिन तिंगिल जैसे पाखंडी लोग ही हैं या तांग योजिन जैसे झूठे लोग हैं। पर तुम्हारे साथ मिलकर तलवार ढूंढते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि तुम्हारा रवैया अच्छा है, और ये पता चला कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अगर हम असफल भी हो गए ना, पर उसका असली रंग दुनिया को जरूर दिखाएंगे।
चाहे खुद का बलिदान देना पड़े। हम तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम उसे नहीं हरा पाएंगे। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन मैं... वैसे तुमने मेरी काफी मदद की है। अगर बात एहसान चुकाने की है तो तुमने काफी कुछ किया है। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था उसे हराने के लिए हमें कोई नई तकनीक का इस्तेमाल जो उसे हरा देगा। तुम तो डर रहे हो। मुझे लगता है उसे हराना हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ना, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुनो, मेरी बात सुनो। अरे अरे सुनो तो, कोई तो रुको। क्या तुम्हें यकीन है कोई पहरेदार नहीं होगा? मैं इस जगह से काफी वाकिफ हूं, मेरे साथ चलो। अरे जू जाओ। बहुत दिनों बाद दिखे, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बस मेरी एक दोस्त है, अभी जरूरी काम है। खाना तुम्हें बाद में दूंगा मैं। क्या तुम्हें याद है जो ध्यान विधि मैंने तुम्हें सिखाई थी? हाँ, क्या किया? इस बारे में अगली बार बात करेंगे। उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग वहां से बच निकलोगे। तो क्या हुआ, आप खुश नहीं हो कि आपको ड्रैगन तलवार मिल गई? मतलब कि तुम्हें ड्रैगन नृत्य की किताब मिल गई? हाँ, तो क्या हुआ? ड्रैगन नृत्य की किताब के बिना भी मैं सबसे बड़ा तलवारबाज बन सकता हूँ। बस एक बार इस तलवार से चारों स्कूलों के गुरुओं को हराना है, उसके बाद इस दुनिया में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो तुम मेरे सामने अपना असली रंग तो दिखाओगे ही ना? मुझे पूरा भरोसा है, मेरे माँ बाप ने भी तुम्हारा रंग देखा ही होगा। वो भोले थे इसीलिए तुमने उन्हें मार डाला। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप भी बड़े भोले थे। धर्म और शिष्टता जैसा कुछ नहीं होता, शक्ति और ताकत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, और अब वो मेरे पास है। अतीत में तुमने मेरे माँ बाप को बदनाम किया और फिर उन्हें मार डाला। उसके बाद वेन लुलिन को मारकर उसका इल्जाम मेरे सर डाल दिया। बस इस तलवार को हासिल करने के लिए तुमने जिहाओं के साथ हाथ मिलाया, सारी हदें पार कर दी हैं तुमने। मगर आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे ताकि इस दुनिया का भला हो सके। तुम मुझे मारोगी? नहीं तो मैं मार दूंगा। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तुम्हारे बारे में क्या कहना है? तुम लोग यहां क्यों आए हो?
इस तरफ आइए, आइए इस तरफ। रुक जाओ, तो अब मैं भी हूं। बेशक इन सभी लोगों के पीछे खड़ा हूं मैं। आज हम सभी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? हे तिंगली, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े पाखंडी निकलोगे। क्या कहा, पाखंडी? तुम चारों आश्रमों ने जबरन पूरी दुनिया पर वर्षों राज किया है और किसी भी दूसरे आश्रम को विकसित होने नहीं दिया। क्या तुम लोग न्याय का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? तुम लोग भी पाखंडी हो। तुम लोगों के पास शक्ति है, लेकिन तुम लोगों से अपनी सत्ता नहीं छूटती। हमें दोष मत दो, यह सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगा था कि मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन अब लगता है कि मेरा मन बदल गया है। मार्शल आर्ट के चारों गुरु जो स्वॉर्ड हाउस में एकत्रित हुए हैं, चोरनी हेजी ने तलवार का नक्शा चुरा कर वो तलवार प्राप्त कर ली। अब वो चारों गुरुओं और उस तलवारबाज को जो उसे रोकने आया था, उसे खत्म करना चाहती है। ये दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है। स्वॉर्ड हाउस के मालिक हिंग तिंगलिंग हेजी को मारने और दुनिया को बचाने के लिए जूझ रहे हैं, और आखिरकार दुनिया को बचा भी लेते हैं। क्या कहते हो, है ना ये कहानी शानदार? बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया बात कही है तुमने। क्या मिस्टर ही, आजकल कहानियां बनाने में तुम काफी माहिर हो गए हो, हैं? या फिर तुम उसे भूल गए, वो तलवारबाज तियानशान? बताओ। अरे क्या बात है, तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे पता है तुम ध्यान विधि सीखने के लिए बहुत बेकरार थे, और मैंने तुम्हें सिखाया नहीं, इसलिए तुमने मेरी बदनामी की और मुझे खत्म करने की धमकी दी। और उस वक्त मैं एक साधु बने घूमता था। आसपास के सारे लोगों ने तुम पर यकीन किया। इसके अलावा तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया। खैर मैंने कुछ खाया नहीं, तो मैं उस वक्त जिंदा बच गया। दुर्भाग्यवश मुझे मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे तलवार घर के बगल में नजरबंद किया गया था, और इतने वर्षों से मैं तुम्हारा असली रंग दुनिया के सामने लाना चाहता था। तुम नसीब वाले थे, लेकिन आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हिंटिंगिल, हम अनुमति देते हैं, जो करना चाहे कर लो। मिज़ू, हे टिंगली, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देखना। इसका इंतजार है। चारों स्कूलों के मुखिया भी हितिंगली को हरा नहीं पा रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ हाँ, वरना वो हम सबको मार डालेगा। जरूरी नहीं है, सिर्फ ही टिंगली मार्शल आर्ट में माहिर है, हम एक साथ लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। देखिए तंग, ये रहे आपके पैसे, हमें जाने दो। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ो हमें, छोड़ो, भागो यहाँ से, यहाँ जल्दी निकलो। रुक जाओ, भागो भागो, जल्दी निकलो। अरे नहीं, काफी दिनों से तुम लोगों को देखा नहीं है,
अच्छा लड़ने लगे हो, लेकिन तुम लोग काफी कमजोर हो। तुम ठीक हो? जब हमें ड्रैगन तलवार मिल जाएगी तो नृत्य ड्रैगन की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन तुम सब लोग आज मरोगे। गुरुजी, गुरुजी, मेरे ध्यान विधि कभी मत भूलना। वो तुम्हारे मार्शल आर्ट को सुधार देंगी। अपना ध्यान रखना। हे जी, तांग यजुन, अगर तुम्हारे पास तलवार है भी तो भी तुम मुझे नहीं हरा सकते।
मेरे लिए यही मेरे सच्चे गुरु थे। अब तुम आगे कहां जाने वाली हो? जैसा कि तुम जानते हो, तलवार वापस करूंगी। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तलवार वापस देने के बाद आगे क्या करना चाहते हो? मैं बुरे लोगों को मारूंगा और अच्छे लोगों की मदद करूंगा। देखो मैं आ गया। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? एक बात हमेशा याद रखना तुम, मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज में परेशानी आए तो मेरी दौलत और इज्जत तुम्हारे काम आ जाएगी। और बेशक जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और असली नायक बनूंगा। चलो 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 चलो।